हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि एक ही तरीके से पैर चलाते हुए कैसे आप चार पांच स्टेप जो है एक ही साथ में सीख सकते हैं। तो ये काफ़ी जो स्टेप है मैंने अपने पहले डांस वीडियोज में यूज़ किए हुए हैं, आज मैं आपके साथ में इन्हें डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है दो पार्ट्स में बने, तो जो बाकी के स्टेप्स हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में शेयर कर दूंगी। तो इसमें मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है वैसे तो ये पैरों का स्टेप, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। तो ये देखिए, आप जिस भी साइड में खड़े हो, चाहे इस साइड में चाहे फिर दूसरी साइड में, तो जिस भी साइड में आप खड़े हैं आपके सामने वाला जो पैर है वो, ये देखिए सामने वाला जो पैर है वो आगे पीछे होगा इस तरीके से। जैसे ही सामने वाला पैर आगे आता है तो पीछे वाला जो पैर है, दूसरी साइड वाला जो पैर, उसकी एड़ी उठी भी रहेगी, ऑटोमेटिक उठ जाती है वैसे, लेकिन आपको एड़ी हल्की सी उठानी है तभी आपके लिए इजी होगा आगे आने में। फिर आपका पैर वापस पीछे जाएगा तो वो दूसरा वाला पैर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ये वाला स्टेप करना है। पैर आपके इसी तरीके से चलेंगे और इसके साथ में आपको हाथों के स्टेप जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अलग अलग तरीके के अलग अलग स्टेप जो है इसके साथ में हम करेंगे। तो ये देखिए, पैर आपका इस तरीके से चलेगा, बताया हुआ मैंने आपको बहुत बार, तो पैर इस तरीके से चलेगा। जो पहला वाला स्टेप है वो देख लीजिए आपको कैसे करना है। आपका ये लेफ्ट वाला जो हाथ है एक ही जगह पे रहेगा और सामने वाला जो पैर है वो आगे पीछे होगा। तो ये देखिए, जैसे ही पैर आगे होता है आपका हाथ आ जाएगा आगे सामने वाला, फिर पैर जैसे ही गया वापस तो आपका हाथ जो है वो आ जाएगा पीछे की तरफ। ये देखिए, हाथ के साथ में सामने वाला जो हाथ है और सामने वाला जो पैर है वो एक साथ में मूव होंगे और जो आपका पीछे वाला हाथ और पीछे वाला जो पैर है वो रहेगा एक ही जगह पे। अभी मेरा पीछे वाला है लेफ्ट वाला हाथ और लेफ्ट वाला पैर, तो वो रहेगा एक ही जगह पे, ये देखिए। और इस तरीके से आप आगे आते हैं तो लेफ्ट वाला जो पैर है यानी पीछे वाला जो पैर है उसकी एड़ी जो है वो हल्की सी उठती है, ये देखिए। तो इस तरीके से एड़ी उठेगी ना तो आपको ईजी रहेगा आगे आने में। तो ये देखिए, आपको ये स्टेप कैसे करना है। सामने वाला हाथ और सामने वाला पैर रहेगा आगे पीछे इस तरीके से, और पीछे वाला हाथ और पीछे वाला पैर एक ही जगह पे टिका हुआ रहेगा। और ये देखिए, आपका हाथ इस तरीके से एकदम स्मूथली चलना चाहिए, इस तरीके से लहराते हुए चलेगा तो आपका स्टेप जो है वो एकदम क्लियर दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, सेम स्टेप अगर आपको दूसरी साइड में करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से। अभी आपका सामने वाला जो हाथ है और सामने वाला पैर वो रहेगा आगे पीछे, और ये देखिए पीछे वाला, अभी मेरा जो पीछे वाला है वो है राइट वाला हाथ और राइट वाला पैर, इस साइड में राइट साइड में अभी मेरा राइट वाला हाथ और राइट वाला पैर है पीछे की साइड में। तो जैसे ही मैं आगे होती हूँ तो मेरा ये देखिए पैर जो है उसकी एड़ी हल्की सी उठी हुई रहेगी। तो जैसे लेफ्ट साइड में किया था वैसे ही राइट साइड में करना है, ये देखिए इस तरीके से। सामने वाला हाथ और सामने वाला पैर रहेगा आगे पीछे, और पीछे वाला हाथ और पीछे वाला पैर एक ही जगह पे टिका हुआ रहेगा, इस तरीके से आपको ये स्टेप करना है, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में। तो जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप इसे दोनों स्टेप्स को, मान लीजिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों स्टेप्स को मैच करते हुए एक ही साथ में करना चाहते हैं, कंबाइन करते हुए, तो आप इन दोनों स्टेप्स को कैसे कंबाइन करके एक ही स्टेप बना सकते हैं। तो ये देखिए, जब आप लेफ्ट साइड में करेंगे इस तरीके से जैसे बताया था, फिर सेंटर में इस तरीके से खड़े हो जाना है दोनों हाथ को ओपन करके, फिर हाथ आएगा आपका इस तरीके से राइट साइड में, और साथ में ही पैर भी आपका राइट साइड में आ जाएगा, फिर वापस एक ही जगह पे जहां पहले था, फिर वापस ये वाला, ये देखिए वापस आपका राइट वाला हाथ आया इधर। इस तरीके से आपको ये स्टेप करना है, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये स्टेप को आप एक बार लेफ्ट साइड में चाहे तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, राइट साइड में चाहे तो राइट साइड में कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करते हुए करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो आपको एक बार लेफ्ट में करना है, फिर सेंटर में, फिर राइट में, फिर वापस सेंटर में, और फिर वापस
लेफ्ट में। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप करना है। अब अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग में ही अभी बिल्कुल भी आपको डांस नहीं आता है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आप पहले सिर्फ लेफ्ट साइड में ये एक स्टेप को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जब आपको एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरीके से करना है, उसी के बाद में आप राइट साइड में इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आप दोनों साइड में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ पाए, तब आप इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके फिर प्रैक्टिस करें, तो इजीली आप जो है इन्हें प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें म्यूजिक के साथ में मैच करते हुए इन सारे स्टेप्स को कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ लेफ्ट राइट वाला यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन करके भी कहीं पे मैच हो रहा है म्यूजिक के साथ में तो उन्हें कर सकते। तो इसके आगे के जो भी स्टेप्स है वो मैं इसके अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, जिन्हें भी आपको लगता है हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।